हे गाइस, वेलकम टू जीडी क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट पोर्ट्रेट इफेक्ट एंड लाइक टू से टेक्स्ट पोर्ट्रेट पोस्टर वो किस तरीके से बनाया जाता है। सो गाइस, मैंने आपके लिए कुछ बना के रखा है फोटोशॉप में। मैं अभी आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। सो मैं अभी आपके लिए एक बार बना देता हूँ इसी तरीके से या इससे कुछ बेहतर। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले मैं साइज़ ले लेता हूँ गाइस। ओके, सो मैंने ये साइज़ ले लिया है और यहाँ पर मैंने ये मॉडल को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं ये मॉडल ले लेता हूँ गाइस और मैं इसे रस्टलाइज लेयर कर लेता हूँ पहले। फिर मैं यहाँ पर जाके मैं इसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फुल इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। सो मुझे अभी यहाँ से कंट्रोल आर करके रूलर लेना है और इनका सेंटर अलाइन करना है। और मैं यहाँ पर अभी एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। रेक्टेंगल टूल से मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा हाफ पोर्शन और मैं इसे ब्लैक कलर फिल कर दूँगा गाइस। अब ड्रॉप टूल से कलर पिक कीजिए एंड कंट्रोल से अब इसे फिल कर सकते हो। तो ये फिल हो गया है कुछ इस तरीके से। सो मैं ये रूलर की लाइन निकाल देता हूँ अभी। सो मुझे यहाँ पर अभी टेक्स्ट लिखना है तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं वीडियो को बढ़ाऊँगा नहीं, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर लेके जाता हूँ। टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और मैं अभी इसकी साइज़ छोटी कर लेता हूँ। सो इसके बीच की जो गैपिंग है वो कुछ ज़्यादा ही है तो मुझे वो कम करनी है तो मैं इसे अभी और कम करूँगा गाइस बाद में। सो पहले मैं इसे कंट्रोल टी से मैं इसे छोटा कर लेता हूँ इमेज को। टेक्स्ट को मैंने छोटा कर लिया है पूरा। सो ये कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है गाइस। तो मैं इसके बीच की जो गैपिंग है उसे और कम कर देता हूँ थोड़ा। तो मैं इधर से थोड़ा कम करूँगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैं फिर से अभी कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा नीचे से घसीट लेता हूँ। ओके, मैंने ये अभी थोड़ा बड़ा कर दिया है। सो मैं अभी यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑल सिलेक्ट हो जाएगा और मैं इसे अभी ब्लैक लेयर पर जाके डिलीट का बटन दबा दूँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ अनसिलेक्शन के लिए। सो ये अभी आप देख सकते हो प्रॉपर दिख रहा नहीं है क्योंकि ये ब्लैक जो बैकग्राउंड है वो हमें कवर कर रहा है। सो मैं अभी इसके ऊपर एक न्यू लेयर बना देता हूँ और ड्रॉप टूल से मॉडल के जो स्किन का कलर है वो सिलेक्ट कर लूँगा इसमें और ब्रश टूल से उसे लाइटली फेल करते जाऊंगा कुछ इस तरीके से। आप ये मूवी पोस्टर्स में भी यूज़ करते हैं, आपने देखा रहेगा हॉलीवुड की जो मूवीज़ रहती है वो कुछ इस तरीके से भी उनके पोस्टर्स रहते हैं। सो आपको कभी फ्यूचर में मूवी पोस्टर का काम आया है तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। सो हमारा डिज़ाइन तो कंप्लीट है तो लेकिन हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे। अभी मुझे इनके आँखों को थोड़ा कुछ भड़कीला लाल कलर देना है। और लिप्स को भी। सो मैं इनका डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ मॉडल का पहले बैकग्राउंड का और इसे इस लेयर के ऊपर ले लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट लेयर के ऊपर। और मैं इरेजर टूल से ये पूरा रफ कर दूंगा अभी। रबर छोटा कर लीजिए गाइस। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया अभी कंप्लीट।
ओके सो आप लेयर में देख सकते हो कि ब्लैक पोर्शन बचा हुआ दिख रहा है मुझे, तो मैं उसे भी डिलीट कर देता हूँ लेयर में से पहले। ये साइड का भी थोड़ा था, हाँ ओके मैंने निकाल लिया है पूरा अभी। तो मैं अभी इसे रेड कंट्रोल यू करूँगा तो ये इस तरीके से हाई सेचुरेशन में जाएगा, तो मैं इसे थोड़ा लिप्स को रेड कर देता हूँ और ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ लिप्स की। अभी बारी है इनके आँखों की, सो मैं इसे न्यू लेयर में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सर्कल क्रिएट कर दूँगा और मैं इसे रेड कलर फिल कर दूँगा। आप नॉर्मल पे क्लिक करके जो आपको इफ़ेक्ट चाहिए आप वो इफ़ेक्ट दे सकते हो। तो मैं सिलेक्ट करते जाता हूँ, कलर डॉट्स टूल में फाइनल करता हूँ, सो मुझे ये बेटर लग रहा है। सो मैं इसे कंट्रोल टी से मैं इसे शेप दे दूँगा, लाइक टू से आँखों के प्रॉपर शेप में ले लूँगा। सो मैं इसका अभी डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ अल्ट प्रेस करके और इसको सेकेंड आँखों के ऊपर भी रख दिया मैंने। ओके सो गाइज ये कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। ओके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल। सो गाइस अभी ये रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीडी क्रिएशन। थैंक